तो आज फिर से चेन्नई सुपर किंग के लिए कई बड़ी खबर निकल के आ रहा है। या दोस्तों बता दें, जो सबसे बड़ा खबर ट्रेड कर रहा है वह है ऋषभ पंत को लेकर। या दोस्तों खबर आ रहा है कि चेन्नई सुपर किंग ट्रेड कर सकती है ऋषभ पंत को। या दोस्तों तो क्या है पूरी खबर, इसी के बारे में पूरे डिटेल्स में चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारा चैनल जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आईपीएल से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबरें हम लाते रहते हैं। तो दोस्तों जो सबसे बड़ी खबर निकल के आ रहा है ऋषभ पंत को लेकर आ रहा है। या दोस्तों आप सभी को मालूम होगा, कई वीडियोज बन चुके हैं ऋषभ पंत पर ऑलरेडी, कि ऋषभ पंत ट्रेड होकर चेन्नई सुपर किंग में आ रहे हैं दिल्ली कैपिटल्स से। तो कितना है इस बात में सच्चाई, तो बता देगी 0% है इस बात में सच्चाई, क्योंकि ऋषभ पंत बिल्कुल ट्रेड नहीं होने वाले हैं, स्पेशली आईपीएल 2024 में। क्योंकि यह दिल्ली कैपिटल्स क्लियर कर चुका है कि ऋषभ पंत उनका कप्तान है आईपीएल 2024 के लिए। ऐसे में चेन्नई सुपर किंग चाहकर भी ट्रेड नहीं कर सकता है ऋषभ पंत को, और खुद ऋषभ पंत भी नहीं आने वाले हैं चेन्नई सुपर किंग के टीम में आईपीएल 2024 के लिए। तो ऐसे में यह फेक न्यूज है जो भी बना रहे हैं। इसके अलावा बात करें, एक और बड़ी खबर है मुस्तफिजुर रहमान को लेकर है। या दोस्तों मुस्तफिजुर रहमान को लेकर मसला बढ़ती जा रही है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ऑलरेडी पहले कहा था कि हर एक मैच के लिए अवेलेबल रहेंगे मुस्तफिजुर रहमान, लेकिन अब जो बड़ा अपडेट है कि कई मैचेस मिस कर सकते हैं। ऐसे में चेन्नई सुपर किंग के मैनेजमेंट भी नाराज है, तो वह रिप्लेसमेंट कर सकता है मुस्तफिजुर रहमान को। जी दोस्तों अब देखने वाला होगा क्या होता है, यह मसला सॉल्व होता है कि नहीं चेन्नई सुपर किंग और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में। वैसे बता दें, जो आगे बोला था बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, वही अगर कायम रहता है तो आसानी से मुस्तफिजुर रहमान आईपीएल 2024 के लिए अवेलेबल रहेंगे। तो वहीं एक ऋतुराज गायकवाड़ के लेकर भी खबर निकल के आ रहा है। बता दें कि ऋतुराज गायकवाड़ जो कि चेन्नई सुपर किंग के प्रिंस है, और ऋतुराज गायकवाड़ बेहद ही अहम खिलाड़ी है, जो कि ओपनिंग करने आते हैं और अपने बल्लेबाजी से चेन्नई सुपर किंग को शानदार शुरुआत देते हैं। ऐसे में खबर थी कि वह चोटिल है तो कुछ मैचेस मिस कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। या दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ आईपीएल 2024 के लिए स्टार्ट भी कर दी है प्रैक्टिस, जो कि बेहतरीन खबर है। इससे पहले एक वह सीरीज भी खेलेंगे, वह सीरीज जो कि अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज होगा, टीम इंडिया की तरफ से खेलेंगे। इसके बाद सीधा वह आईपीएल में नजर आएंगे, जो कि बेहतरीन खबर है। तो दोस्तों यह कुछ बड़ी खबर निकल के आ रही थी चेन्नई सुपर किंग को लेकर। आपको यह खबर कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।